गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम लोग इंग्लिश की आपकी जो बुक है हनीड्यू, इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, द सुनामी। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था कि इग्निशियस एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उसकी वाइफ ने उसको सुबह जगाया क्योंकि भूकंप का झटका आया था, और वो लोग टेलीविजन को सेट को नीचे रखे टेबल से घर से बाहर चले गए थे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जैसे ही झटके भूकंप के झटके बंद हुए, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र का जो सतह थी, समुद्र का जो पानी था उफान पर था, वो उठता आ रहा था। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो केओस और कन्फ्यूजन की स्थिति में, यानी भ्रम और हड़बड़ी की स्थिति में, उनके जो दो बच्चे थे उन्होंने क्या कर लिया, अपने नाना जी का और अपने मामा जी का हाथ पकड़ लिया, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उल्टी दिशा में भागने लगे, यानी समुद्र के अपोजिट साइड में। He never saw them again. वो दोबारा कभी नहीं देखा उन्होंने उसको। His wife was also swept away. उसकी पत्नी भी बह गई अपने बच्चों और अपने भाई और पिताजी के साथ। Only the three other children who came with him were saved. केवल तीन बच्चे जो इग्निशियस के साथ आए थे वो बचे गए, और बाकी सब बह गए। आगे चलते हम लोग। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कर्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वहां पर कर्चल नाम के आइलैंड पर संजीव एक पुलिसमैन के रूप में नौकरी करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरह से खुद को बचा लिया, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, समुद्र की लहरों से अपनी जो बच्ची थी छोटी और अपनी पत्नी को और खुद को उसने बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, उसकी गेस्ट हाउस के कुक की जो वाइफ थी, और उस कुक का नाम जॉन था, उसकी वाइफ की जब उसने चिल्लाहटें सुनी तो उसको बचाने के लिए भागा। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, वो पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए, पर दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही पानी के साथ बाहर ले जाए गए। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे, 13 साल की जो बच्ची थी मेघना, वो भी बाहर ले गई, पानी के साथ बाहर ले गई, अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, अपने पेरेंट्स के साथ और 77 दूसरे लोगों के साथ पानी के साथ बह गई। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन पानी समुद्र में तैरते हुए, समुद्र की सतह पर ऊपर तैरते हुए बिताए, होल्डिंग ऑन टू वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे के ऊपर उसको पकड़े हुए। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड, 11 बार उसने अपने ऊपर राहत जो रक्षा के हेलीकॉप्टर्स थे उसको मंडराते हुए अपने सिर के ऊपर देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और फिर वो किनारे पर एक लहर के द्वारा लाई गई, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर हम बोल सकते हैं कि बेहोशी की से हालत में, और थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि यानी नशे की सी हालत में वो किनारे पर घूमती हुई पाई गई। अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। तो पोर्ट बेयर में एक बच्ची थी अलमास जावेद उसका नाम था, 10 साल की थी वो, और वो स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पोर्ट बेयर में, उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन कवरी आइलैंड, उसकी माँ का जो घर था राहिलाज होम, वो कहाँ था, नॉन कवरी आइलैंड पर था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, परिवार वहाँ पर क्रिसमस मनाने गया था। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह जो भूकंप के झटके आना शुरू हुए, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसेड, तो अलमास के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी ऊपर उठता आ रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, उनको पता था कि वो क्या हो रहा था, पानी दोबारा बहुत ताकत के साथ स्ट्रोक करेगा, जोर से झटका मारेगा, वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उसने सबको जगाया और सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। एज दे रेन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, जब वो भाग रहे थे उसके पिताजी के सिर के ऊपर किसी चीज़ की चोट लगी और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता ने उसको बचाने की कोशिश की। देन केम द फर्स्ट जॉइंट वेव दैट सेव्ड बोथ ऑफ देम अवे, बहुत बड़ी पहली लहर आई और वह दोनों को बहा कर ले गई। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अलमास की माँ और चाची जो थी दोनों एक कोकोनट पेड़ की शाखाओं को पकड़ कर बैठी रही। ठीक है, कॉलिंग आउट टू हर, और उसको पुकार रही थी अलमास को। अवे अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, एक बहुत बड़ी लहर आई उसने पेड़ को उखाड़ दिया और वो दोनों भी पानी में बह गई। अलमास सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने एक जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन इट, उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, शी वॉज इन
हॉस्पिटल कामरोता, तो वो कामरोता नाम की जगह पर हॉस्पिटल में थी. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, और वो छोटी बच्ची इस दुर्घटना के बारे में किसी से बातचीत नहीं करना चाहती है. शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, अभी भी वो सदमे की स्थिति में है. तो ये क्वेश्चन आंसर आप लोग एनसीईआरटी बुक्स नाम के ऐप पर आपको मिल जाएंगे, वहां से अपनी कॉपी में करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन.